हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, तो अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, ए ऑप्शन है रामानुजाचार्य, बे ऑप्शन है ज्ञानेश्वर, से ऑप्शन है वल्लभाचार्य और दे ऑप्शन है निम्बकाचार्य। आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन रामानुजाचार्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है गुरु नानक देव जी, बे ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव जी, से ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर जी और दे ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह जी। आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन गुरु नानक देव जी। आपका अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है शंकराचार्य, बे ऑप्शन है रामानुज, से ऑप्शन है रामानंद और दे ऑप्शन है कबीर। आपका सही जवाब हो जाएगा से ऑप्शन रामानंद ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, संत कबीर के गुरु कौन थे। आपके ऑप्शंस हो जाएंगे, ए ऑप्शन है रामानुज, बे ऑप्शन है रामानंद, से ऑप्शन है वल्लभाचार्य और दे ऑप्शन है नामदेव। आपका सही जवाब हो जाएगा बे ऑप्शन रामानंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है दिल्ली में, बे ऑप्शन है मगहर में, से ऑप्शन है मथुरा में और दे ऑप्शन है वाराणसी में। आपका सही जवाब हो जाएगा बे ऑप्शन मगहर वाराणसी में जन्म हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है श्री संप्रदाय से, बे ऑप्शन है वारकरी संप्रदाय से, से ऑप्शन है गौड़ीय संप्रदाय से और दे ऑप्शन है पंथी संप्रदाय से। हमारा सही जवाब होगा से ऑप्शन गौड़ीय संप्रदाय से। हमारा अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। हमारे ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है रामानुज, बे ऑप्शन है शंकराचार्य, से ऑप्शन है मध्वाचार्य और दे ऑप्शन है विवेकानंद। हमारा सही जवाब हो जाएगा बे ऑप्शन शंकराचार्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। आपके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है बाण भट्ट ने, बे ऑप्शन है जयदेव ने, से ऑप्शन है सूरदास ने और दे ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु ने। सही जवाब हो जाएगा बे ऑप्शन जयदेव ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है रामानुजाचार्य, बे ऑप्शन है वल्लभाचार्य, से ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु और दे ऑप्शन है शंकर देव। हमारा सही जवाब होगा दे ऑप्शन शंकर देव। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है सेव, बे ऑप्शन है वैष्णव, से ऑप्शन है अद्वैतवाद और दे ऑप्शन है अवधूत।
हमारा सही जवाब होगा ब ऑप्शन वैष्णव। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजक की रचना किसने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है सूरदास ने, ब ऑप्शन है कबीर ने, स ऑप्शन है रैदास ने और दे ऑप्शन है पीपा ने। सही जवाब होगा ब ऑप्शन संत कबीर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? हमारे ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है राणा रतन सिंह, ब ऑप्शन है राजकुमार भोजराज, स ऑप्शन है राणा उदय सिंह और द ऑप्शन है राणा सांगा। सही जवाब हो जाएगा ब ऑप्शन राजकुमार भोजराज। हमारा अगला क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? हमारे ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है बाबर के, ब ऑप्शन है अकबर के, स ऑप्शन है जहांगीर के और द ऑप्शन है औरंगजेब के। आपका सही जवाब होगा द ऑप्शन सम्राट जहांगीर के। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है रामदास, ब ऑप्शन है तुकाराम, स ऑप्शन है एकनाथ और द ऑप्शन है दादाजी कोंडदेव। हमारा सही जवाब होगा ए ऑप्शन रामदास। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन से ए ऑप्शन है तलवंडी में, ब ऑप्शन है मुल्तान में, स ऑप्शन है अमृतसर में और द ऑप्शन है रोपड़ में। सही जवाब होगा ए ऑप्शन तलवंडी में। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है नदिया या नवदीप, ब ऑप्शन है तलवंडी, स ऑप्शन है निम्बापुर और द ऑप्शन है मगहर। सही जवाब होगा ए ऑप्शन नदिया नवदीप में। सो गाइज, हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चनों का सिलेक्शन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा।